सर शीतल सानी आई है। I'm busy now. कौन आई है? मिस शीतल सानी आपसे मिलने आई है। मिस शीतल सानी, I see. हाँ मिस शीतल सानी। हेलो रवि। कहिए इस गुलाम को कैसे याद किया आपने? रवि मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। मदद मांगने का हक तो खैर आपने बहुत पहले ही खो दिया था मिस शीतल सहनी, फिर भी कहिए क्या कहना चाहती हैं? रवि मुझे बड़ी मुश्किल में फंस गया है, उस पर खून का इल्जाम है। मैं जानता हूँ। अगर कोई वकील अदालत के सामने उसे बेगुनाह साबित कर सकता है तो वो तुम हो। मैं ये भी जानता हूँ, मैं विजय को इस केस में यूं जिता सकता हूं इसलिए कि मैं जानता हूं वो बेगुनाह है, और ये बात मैं अदालत में एक मिनट में साबित कर सकता हूं। लेकिन देवी जी मैं ऐसा करूंगा नहीं, कभी नहीं करूंगा। प्लीज रवि, ये विजय की जिंदगी का सवाल है। एक दिन मेरी जिंदगी का सवाल था, उस दिन आपको मेरा ख्याल नहीं आया था। उन पुरानी बातों को भूल जाओ रवि। कैसे भूल जाओ शीतल, कैसे भूल जाओ? पुरानी बातों के सिवा मेरी जिंदगी में रखा भी क्या है? और क्या क्या भूल जाऊं मैं? क्या मैं भूल जाऊं कि जिस लड़की को मैंने पागलों की तरह चाहा, मुझे ठोकर मार के किसी और के साथ चली? क्या मैं ये भूल जाऊं कि जिस दोस्त को मैंने अपने भाई से बढ़कर समझा, मेरे जज्बात को जानते हुए भी उसी लड़की के साथ पींगे बढ़ाता रहा जिसे मैं चाहता था? क्या यह भी मैं भूल जाऊं कि तुम्हारी मोहब्बत में वो मुझे भूल गया? क्या यह भी मैं भूल जाऊं कि तुम्हें पाने के लिए वो मुझे छोड़ गया? इतनी सारी बातों को भुलाने के लिए किसी देवता का दिल होना चाहिए, और मैंने देवता होने का दावा कभी नहीं किया। रवि इस बारे में तुम्हें अगर कोई शिकायत होनी चाहिए थी तो मुझसे। शिकायत तो अपनों से होती है शीतल देवी, शिकायत तो अपनों से होती है। तुम लोगों से मैं शिकायत नहीं, सौदा कर सकता हूं। रवि अगर तुम विजय को बचा सकते हो तो मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। कोई भी कीमत देने को तैयार हूं? एक दिन तुमने मुझे ठुकरा कर मेरे दिल, मेरे जज्बात, मेरी मोहब्बत की कीमत बताई थी, आज मैं तुम्हें अपने इल्म, अपनी अक्ल, अपने दिमाग की कीमत बताऊंगा। तुम विजय को चाहती हो, मैं तुम्हें चाहता था। तुम विजय को खोना नहीं चाहती, मैं विजय से हारना नहीं चाहता। ये दोनों बातें हो सकती हैं शीतल, ये दोनों बातें हो सकती हैं। मैं विजय को फांसी के तख्ते से उतार सकता हूं, और तुम जिंदगी भर विजय को अपने पल्लू में बांध कर रख सकती हो। लेकिन जिस दिन अदालत उसे बेगुनाह मान के छोड़ देगी शीतल, वो रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी होगी। वो रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी होगी शीतल। रवि तुम इतना गिर सकते हो? मैंने तुम्हें अपनी कीमत बता दी है, सौदा करना ना करना तुम्हारे हाथ में है। तो सुनो, तुम्हारा सब गुस्सा, तुम्हारी सारी नफरत इसी वजह से है ना कि मैं विजय को प्यार करती हूं? तुम्हें सुनकर बुरा तो बहुत लगेगा, तकलीफ भी बहुत होगी, लेकिन सुनो, मैं विजय को इतना चाहती हूं कि उसे बचाने के लिए मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है।